आपको हमारे लिए जीना है राफे। सादिया, मैंने तुम्हें कहा ना, तुम सिर्फ दानियाल का ख्याल रखो। आज इतने सालों बाद तुम्हें याद आ गया कि तुम्हारी कोई बजिया भी है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बजिया। कुछ भी हो जाए मैं इन्हीं को समझाऊंगी, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। क्या सोच रही है बेटा? कुछ नहीं अम्मी। बेटा वो सलमान का फोन आया था, वो कह रहा था कि मैं तुझे उसके साथ शादी के लिए मनाऊं। ये क्या कह रही है अम्मी? आपने उन्हें साफ साफ इनकार क्यों नहीं किया? लेकिन क्यों बेटा, इसमें हर्ज क्या है? हर्ज है अम्मी, और आपने ऐसा सोचा भी कैसे? सलमान साहब अपने आप को क्या समझते हैं? उनसे साफ साफ कह चुकी हूँ कि मैं उनसे शादी नहीं कर सकती। लेकिन क्यों? आप नहीं जानती। हाँ मैं नहीं जानती, और मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। मैं अदनान की जगह किसी को नहीं दे सकती। अदनान अब तुम्हारी जिंदगी में नहीं रहा और ना कभी होगा। उसने एक बार भी तुम्हारे बारे में सोचा है? तो क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करने पे तुली है? मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है अम्मी, मुझे ऐसी ही जिंदगी चाहिए, किसी का हमदर्दी पर हाथ नहीं। लेकिन बेटा, मैं आपको बताना भूल गई, मैंने सलमान साहब की दी हुई नौकरी भी छोड़ दी है। लेकिन क्यों एनी? सुनो, कभी नहीं बुला सकता है, नहीं कभी बुला नहीं पाऊंगा। मेरी रूह में बसी हो तुम, काश वो वक्त वापस पलट आए और मैं तुम्हें रोक लूं, कभी तुम्हारा हाथ ना छोड़ू। कैसे गुजारूंगा ये जिंदगी तुम्हारे बिन? अरे भजिया, इतना तकल्लुफ करने की क्या जरूरत थी? मुझे उठा देती, मैं खुद बना लेता नाश्ता, हेल्प कर देता। आओ बैठो। तुमने क्या हेल्प करनी है मेरी? कभी मैंने तुम्हारी हेल्प ली है? और वैसे भी अम्मी कहती थी कि
मत परेशान हो आप, अम्मी जहां भी होंगी हम दोनों को एक साथ देख के बहुत खुश होंगी। क्या फर्क पड़ता है? कुछ अरसे बाद तुम अपनी बीवी के पास वापस चले जाओगे और मैं फिर अकेली इस घर में अपनी यादों के साथ रह जाऊंगी। नहीं, मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। अच्छा, तो फिर अपनी बीवी को दोबारा यहां लाने का इरादा है? नहीं, वो भी अब यहां कभी नहीं आएगी, आप फिक्र मत करें। क्यों भाई, तुम्हें याद नहीं आएगी वो? याद तो आएगी, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बात है अदनान, खुलकर बताओ मुझे। और हाँ, मैं तो पूछना ही भूल गई, इतने अरसे में मैं फुप्पो बनी, कोई भतीजा या भतीजी है मेरा? बेटी है मेरी, निम्रा। अरे वाह, तो उसको क्यों नहीं लेकर आए? फुप्पो से नहीं मिलवाने का इरादा? अदनान, क्या हुआ? बजी आप, मैंने हैनी को तलाक दे दिया। क्या? अरे हैनी, सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? अरे मैं भी कितनी बेवकूफ, भूल गई, तुम ऑफिस जा रही हो ना? नहीं अम्मी, ऑफिस नहीं जा रही। आपको बताया तो था कि सलमान साहब की नौकरी छोड़ चुकी हूँ मैं। लेकिन बेटा, ये तो सोच, इतनी अच्छी नौकरी दोबारा कैसे मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी अम्मी, और अगर ना मिली तो मैं कोई भी नौकरी कर लूँगी, आप फिक्र ना करें। क्यों फिक्र ना करूँ? अब हालात पहले जैसे तो नहीं रहे, घर के सारे अखराजात तुझे उठाने हैं बेटा, और फिर बेटी की जिम्मेदारी, उसकी स्कूल फीस और ये सब कुछ। मुझे पता है अम्मी। तो फिर जज्बात से काम न लो यानी, ठंडे दिल से सोचो। अगर सलमान तुमसे शादी करना चाहता है तो बेटा इसमें बुराई क्या है? अब तुम किसी की बीवी तो नहीं हो। और उनकी बीवी का क्या, वो मुझ पे शक करती हैं अम्मी, और मैं सलमान साहब से शादी करके उनके शक को यकीन में बदल दूं? वो सलमान और उनकी बीवी का मामला है, वो खुद ही हैंडल कर लेंगे। अम्मी, ये मेरा भी उतना ही मामला है जितना उन दोनों का है। पहाड़ जैसी जिंदगी है तुम्हारे सामने, अकेले कैसे गुजरेगी? मैं अकेली कहाँ हूँ अम्मी, आप और निम्रा है ना मेरे साथ। अच्छा, मैं जा रही हूँ, बहुत देर हो गई है, आप निम्रा को स्कूल से ले आइएगा, हो सकता है मुझे आने में देर हो जाए। कितना मना किया था अम्मी ने और मैंने, मगर तुम्हारे सर पे तो मोहब्बत का भूत सवार था। खैर, अब आगे क्या सोचा है तुमने? क्या सोचना है? मेरा मतलब है कि अपनी बेटी को यहां लेकर आओ। क्या मतलब? मतलब ये है कि तुम उसके बाप हो, पूरा हक है तुम्हारा उस पर। कैसी हो मेरिन बेटा? How was your day? क्या बात है, कुछ परेशान लग रही है मेरी बेटी? नहीं पापा, कुछ भी नहीं। कुछ तो है, क्या बात, मुझे बताना नहीं चाहती?
बाबा मैंने आपको पहले ही इतना परेशान कर रखा है, अब और क्या बताऊं आपको। अरे बेटा तुम अगर अपने बाबा को नहीं बताओगी और तुम परेशान होगी तो मेरा परेशान होना भी लाजमी है। पापा मैंने सलमान को फोन किया था। ओह गुड, ये तो अच्छी बात है। क्या बात हुई फिर उससे? नहीं पापा, उसने फोन ही नहीं उठाया। What? क्यों फोन नहीं उठाया? तो गया, इस वजह से परेशान है मेरी बेटी। नहीं पापा, परेशानी की बात ये नहीं है। तो फिर पापा वो मेरी सलमान के ऑफिस में मैनेजर से बात हुई थी, वो बता रहा था कि। क्या बताया उसके मैनेजर ने? खुल के बात करो बेटा। पापा वो कह रहा था कि सलमान कह रहा है कि वो एनी से बहुत जल्द शादी कर रहा है और जल्द ही एनी उसके साथ ऑफिस में होगी। लेकिन एनी तो उसके ऑफिस में ऑलरेडी जॉब कर रही है। नहीं पापा, एनी ने जॉब छोड़ दी भी है। क्यों छोड़ दी जॉब? पापा आप भी अजीब बातें कर रहे हैं, मुझे किसी और चीज की फिक्र है और आपको एनी की जॉब छोड़ने का दुख है। अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे उसकी जॉब छोड़ने का दुख नहीं है, मुझे तो हैरानी इस बात पे हो रही है कि आखिर उसने जॉब छोड़ी क्यों। मुझे नहीं पता पापा, लेकिन अगर सलमान ने एनी से वाकई शादी कर ली तो? नहीं कर सकता वो शादी। हम उसमें केस कर देंगे, याद रखो वो तुम्हारी मर्जी के खिलाफ एक कदम नहीं उठा सकता। मैं करता हूं अपनी लाइफ से बात, तुम रिलैक्स रहो। Sorry, miss. Your qualification is not sufficient for this job. हम आपको जॉब नहीं दे सकते।
आप पहले मिस्टर सलमान की ऑफिस में जॉब करती थी ना, और शायद गबन जो हुआ था उस टीम का हिस्सा भी थे। सॉरी मिस, हम आपको जॉब नहीं दे सकते। ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, प्लीज मिस आप जा सकती हैं। क्या बात है अदनान, कहाँ खोए हो? कहीं नहीं, हंसी हुई। ये क्यों नहीं कहते कि अपनी माजी में गुम हो? जब जानती हैं तो पूछ क्यों रही? अदनान, इस तरह कब तक चलेगा? देखो मुझे तुम्हारी फिक्र होने लगी है। फिक्र किस बात की वजह? तुम्हें नहीं पता। क्या कहना चाहती हैं आप, साफ साफ कहें। तो सुनो, मैं पहले ही तुम्हें कह चुकी हूँ कि अपनी बेटी को यहाँ ले आओ। मैंने इसकी इजाजत कभी नहीं देगी मुझे। तो मैं कब कह रही हूँ कि तुम उससे इजाजत लो? तुम्हारा हक है उस पर। हक? क्या हुआ, आप किस सोच में पड़ गए हो? कुछ नहीं, कोई और बात करें। क्यों, इस बात में क्या बुराई है? अच्छा ये बताएं, मम्मी के जाने के बाद कैसे खुद को संभाला, घर को कैसे संभाला? मेरी याद नहीं है आपको कभी। ये बताएं, मम्मी के जाने के बाद कैसे खुद को संभाला, घर को कैसे संभाला? मेरी याद नहीं है आपको कभी। याद तो तब आती ना जब तुम्हें भूल पाती, और वैसे भी जब सर पे पड़ी तो सब कुछ करना आ गया। और काशिप भाई, उन्होंने कभी कोई राब्ता नहीं किया आपसे? नहीं, एक दो दफा मैंने राब्ता करने की कोशिश की थी, मगर उनकी दूसरी बीवी ने मुझे बुरा भला कह के फोन बंद कर दिया। उसके बाद कभी हिम्मत ही नहीं हुई। मैं आपका गुनहगार हूं बच्चिया, आपकी जिंदगी मेरी वजह से बर्बाद हुई है। कितना खुदगर्ज था मैं। अदनान, ऐसी कोई बात नहीं है, जो मेरे नसीब में लिखा था मुझे वही मिला। तुम अपने आप को कसूरवार क्यों समझते हो? चलो छोड़ो ये सारी बातें, चाय पीते हैं। लो ना। भई मैं तो परेशान ही हो गई थी, महरीन और इतने दिन गायब रहे, ना कोई फ़ोन ना एसएमएस, कोई रापता नहीं। खैरियत तो है? बस ऐसे ही। महरीन, कोई मसला है तो मुझे बताओ। क्या बताऊँ तुम्हें, हर वक्त टेंशन लगी रहती। टेंशन क्यों? तुम जानती तो हो, सलमान की वजह से और किस वजह से। ओह तो ये मसला है, तुमने सलमान भाई से बात नहीं की? लेकिन मुझे पता चला है कि वो उसी लड़की से शादी करना चाहता है। डोंट टेल मी। हाँ यही सच है। और तुम यहाँ इतने सुकून से बैठी हुई हो,
तो और क्या करूं? सलमान अमेरिका में है और अगर मैं फोन करती हूं तो वो रिसीव ही नहीं करता। इतनी बड़ी बात हो गई और तुम मुझे अब बता रही हो? क्या बताती मैं तुम्हें? मुझे तो खुद अभी तक यकीन नहीं आ रहा फायजा। कभी कभी मुझे लगता है कि शायद ये झूठी हो। तुम मिलने गई हो रिमशा से? नहीं, वो भी सलमान के साथ ही गई हुई है। महरीन, अमेरिका तो सलमान भाई गए हैं ना, वो लड़की तो यहीं है। तुम मिलो उसको, मना करो कि अगर उसने ऐसा किया तो तुम उसका क्या हशर करोगी। ऐसी मिडिल क्लास लड़कियों का तो ख्वाब होता है अमीर आदमियों को फंसाना। देखो जरा शर्म नहीं आई इस औरत को। इतनी अच्छी बीवी है सलमान भाई की, इतनी प्यारी बेटी है, इतनी अच्छी फैमिली है। तौबा तौबा, मैं होती ना तुम्हारी जगह तो ऐसा सबक सिखाती कि हमेशा के लिए याद रखती वो। अपना नहीं तो अपनी बेटी का सोचो। अकेली औरत तन तनहा मर्दों के माशरे में नहीं रह सकती। देखिए मोहतरमा, मुझे नहीं पता कि अदनान साहब रिश्ते में आपके क्या लगते, लेकिन ये आपको बता दूं कि पिछले 3 महीनों से उन्होंने इस घर का किराया नहीं दिया। मुझे इमरान से मिलना। मैंने तुमसे कहा था ना, इस घर से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं, फिर क्यों आए हो यहाँ?